और आपने अभी देखा भी होगा दो दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सुनील सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया, जहां एक तरफ उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया तो दूसरी तरफ बिस्कुमान से उनका पद भी छीन लिया गया। उसके बावजूद भी सुनील सिंह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहा, और सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है ये तो दो दिन पहले आपने देख ही लिया था। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मेरी कार्रवाई पे एनडीए के नेता चुप इसलिए भी हैं कि एनडीए के नेता भी ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, हम चाहेंगे पहले आप इस वीडियो पे नज़र डालिए। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा दो दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है सर? देखिए मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई। तो सुना आपने किस तरीके से क्या कुछ कहा सुनील सिंह ने। दरअसल बता दें कि दो दिन पहले सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसको लेके काफ़ी हो हंगामा भी हुआ विधानसभा में। इसके साथ ही विपक्ष ने सीधे तौर पे कह दिया कि सत्ता पक्ष जो है दबे कुचले लोगों को लगातार दबाने की कोशिश करता है, जो लोग उनकी बातें उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है, और विपक्ष के सारे नेता जो है वो काले पट्टी में नजर आए थे। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का वो दृश्य जहां पर सबने ये कह दिया था कि सुनील सिंह के साथ गलत हुआ। इसके साथ अगर हम सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा ही रहा है। सुनील सिंह हमेशा ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और वो लगातार अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी इसकी जानकारी और हमलावर जो होते हैं वो नीतीश कुमार पर वो करते रहते हैं। थोड़ी देर पहले की खबर है जहाँ पर उन्होंने लिखा है हम आव भी करते हैं तो जाते हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो सीधे तौर पे ये उन्होंने लिखा है। इसके साथ उसके बाद लिखा है आप तो सब जानते ही हैं, हम तो कहते ही रहते हैं, ये फालतू वाक्य किसके लोल से हमेशा सुनने को मिलता है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ही बोलते रहते हैं और उनका ये भाषा भी है, जिसको लेके सुनील सिंह ने फिर से हमला बोल दिया और उन्होंने कहा है कि ये वाक्य जो है वो बार बार किसके लोल से सुनने को मिलता है ये भी आपको पता है। पूरा फेसबुक पोस्ट अगर आप सुनील सिंह का देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नज़र आएंगे, और इसीलिए उन्होंने खुल के कह दिया है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई किया है ताकि उनके मन को शांति मिल जाए, और इसीलिए उन्होंने हमारी सदस्यता को रद्द कर दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।